खबरों के अपडेट से पहले नजर हरियाणा टॉप 20 पर। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना के आज 12 नए केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 287। नूंह जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, 57 लोग संक्रमित, 35 मरीज हो चुके हैं ठीक। हरियाणा में अब कुल 93 एक्टिव केस, अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। पानीपत में कोरोना ब्लास्ट, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव निकला, माता पिता और भाई बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील, दिल्ली में काम करने वाले और हरियाणा आने वाले लोगों को पास न बनाकर दें। रेवाड़ी रोडवेज डिपो के 82 कर्मवीर योद्धा फिर उतरे मैदान में, 41 बसों को लेकर यूपी उत्तराखंड पंजाब के लिए रवाना हुए। यूपी के लगभग 1500 श्रमिकों को लेकर रवाना हुए, प्रशासन ने सब श्रमिकों को रास्ते के लिए दिया भोजन, सैनिटाइजर और मास्क भी दिए गए। सभी श्रमिकों के चेहरे पर खुशी की लहर। रेवाड़ी में जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए, व्यवस्था बनने तक न खुली दुकानें, कौन सी दुकान खुलेगी तय कर पाना मुश्किल। सोमवार तक फाइनल हो जाएगी छूट की रूपरेखा, व्यापारिक संगठनों से भी मांगे जा रहे हैं सुझाव। जिले में अब तक जो जरूरी दुकानें खुल रही थी वहीं खुलेंगी, बाकी आगामी निर्देशों के बाद। हरियाणा पुलिस के जवान सुनील संधू अपनी ड्यूटी के साथ गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। संकट की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पूरे महीने की तनख्वाह और अपनी गाड़ी भी बेच डाली। चरखी दादरी में एक बेटे ने अपनी बीमार मां से मिलने की चाहत में साइकिल पर तय किया 1400 किलोमीटर का सफर। ऑडिशन देने मुंबई गया था रंगकर्मी संजय रामफल। अनिल विज ने नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ बैठक की, उनकी कई मांगों को मान लिया। पलवल में कोरोना से बचाव के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर पर मास्क तैयार कर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही हैं। घर पर उपलब्ध संसाधनों से बनाए गए मास्क कोरोना से बचाव में कारगर साबित हो रहे हैं। पलवल में पुलिस अपना रही है सख्त रवैया, अब तक 503 वाहन जब्त हुए, 1709 वाहनों का चालान काटा गया। पलवल पुलिस ने कुल 1,49,36,200 रुपए का जुर्माना लगाया। दूसरी ओर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक 169 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा में छोटी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में 10 वर्कर्स वाली फैक्ट्री और वर्कशॉप को अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। लेबर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी जिलों को तुरंत आदेश का लागू करने के लिए कहा, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होना जरूरी। बरसात ने फेरा किसानों के मंसूबों पर पानी, झज्जर मंडी में खुले आसमान के नीचे भीगा हजारों क्विंटल गेहूं, मंडी में रखी गेहूं की बोरियां भीगी, बाल्टियों से पानी निकालते नजर आए किसान। मंडी में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भी पानी पानी से तरबतर, शुरू हुई खरीद के बाद बीते कल ही आया था मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं। झज्जर में हुई अनोखी शादी, दूल्हे को दहेज में मिले मास्क और सैनिटाइजर्स, फेरों के दौरान दूल्हा दुल्हन और पंडित ने भी लगाया मास्क, शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। धर्मनगरी में लॉकडाउन के चलते गुरुद्वारे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनिंदा परिजनों की मौजूदगी में सादगी से शादी संपन्न हुई।